हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज किस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ठीक है, तो ईथर हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी को पता है कि ईथर जो हमारा टॉपिक है ईथर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ईथर के प्रिपरेशन मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम जानेंगे ईथर के प्रिपरेशन मेथड होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स आप बनाते जाइएगा अपने, है ना। मैं हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा। अभी काफ़ी टाइम है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और आपका सिलेबस भी कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एल्कोहल फिनॉल और ईथर चैप्टर पे इस समय चल रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक ईथर पढ़ रहे हैं और उससे पहले के बाकी जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा तो आप चैनल पर जा करके उन चैप्टर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, और बाकी एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जो मैथ क्लास ट्वेल्थ, जो मैथ के बच्चे हैं क्लास ट्वेल्थ में, उनकी शाम को 8:20 से क्लास चलती है क्लास ट्वेल्थ मैथ की। तो आप शाम को लाइव क्लास चलती है, तो शाम को 8:30 पर आप लोग लाइव क्लास में मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़रूर जुड़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ईथर के प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे आज के लेक्चर में बच्चों। तो सबसे पहला जो मेथड है बच्चों, वो है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से ईथर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल लिया है। और एथिल ब्रोमाइड के जब दो मॉलिक्यूल बच्चों, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ये क्या है हमारे पास, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक, तो ये ईथर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, ये BR है। अब ये दोनों BR किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये यहाँ पर सिल्वर के साथ, जो हमारा Ag2O दिया गया था। तो देखो ये क्या बन गया, यहाँ पर देखो बना लिया इन्होंने सिल्वर ब्रोमाइड बना लिया, और बचा क्या, यहाँ पर C2H5 यानी सॉरी, तो यहाँ पर देखो बन गया क्या ऑक्सीजन, ये बचा। तो ऑक्सीजन से हमने इन दोनों C2H5 को जोड़ दिया, तो ये बन गया डाई एथिल ईथर। यहाँ तक समझ में आया होगा, ओके। बस इसमें करते क्या है कि जो भी एल्किल हैलाइड लेंगे उसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ले लेते हैं और दोनों की रिएक्शन कराते हैं, तो हमें ईथर मिल जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो प्रिपरेशन मेथड है, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिएक्शन पूछी भी जाती है। ठीक, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में भी क्या होता है बच्चों, जो एल्किल हैलाइड होता है वो सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ, जब कोई एल्किल हैलाइड किसी सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ईथर बनेगा और सोडियम हैलाइड ये अलग हो रहा है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा बनना है ईथर। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है एथिल ब्रोमाइड, और उस एथिल ब्रोमाइड की अगर हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक, किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड के साथ, तो देखो ये वाला जो पार्ट होगा ये अलग हो रहा है, इधर से ब्रोमीन और ये सोडियम आपस में रिएक्शन करेंगे OC2H5, और यहाँ पर क्या है C2H5, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, रिएक्शन करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बन गया और सोडियम ब्रोमाइड अलग हो गया। समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे फ्रॉम डाई एजो मेथेन। डाई एजो मेथेन से हम ईथर कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए देखो इसमें करते क्या हैं कि इसमें एथिल एल्कोहल लेते हैं, एथिल एल्कोहल की HBF4 की उपस्थिति में या प्रेजेंस में हम डाई एजो मेथेन, ये जो कंपाउंड दिया गया डाई एजोमेथेन के साथ इन दोनों की जब रिएक्शन करेंगे इसके प्रेजेंस में, तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा डाई एथिल ईथर, यानी ईथर हमें बन जाएगा, ईथर हमें मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम ये भी एडिंग डाल सकते हैं कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई एथिल ईथर। ठीक, और नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट
मेथड है ईथर बनाने का। फ्रॉम एल्केन की बात करते हैं बच्चों, तो एल्केन कैसे बनाएंगे, तो फ्रॉम एल्केन से ईथर कैसे बनेगा, तो बच्चों एल्केन्स में अगर हम आइसोब्यूटीन ले लेते हैं किसी भी एल्कीन की, ठीक है, जैसे यहाँ पर आइसोब्यूटीन ले लिया गया, अगर कोई एल्कीन एल्कोहल यानी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, तो हम एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ आइसोब्यूटीन है, आइसोब्यूटीन अगर एथिल एल्कोहल के साथ और H2SO4 की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा टेट ब्यूटिल एथिल ईथर, ठीक है, ये हमारा ईथर यहाँ बन गया। ठीक, आगे देखो, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन तो आपको याद करना है और पूछी भी जाती बोर्ड एग्जाम में, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर मेथॉक्सी क्लोरोमेथेन, इसमें मेथॉक्सी क्लोरोमेथेन मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर है मेथिल क्लोरोमेथेन, ठीक है, सॉरी मेथॉक्सी क्लोरोमेथेन, और ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा CH3MgI के साथ, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, और यहाँ पर क्या बनेगा MgICl अलग हो जाएगा बच्चों। अब थोड़ा सा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देखिएगा, यहाँ पर फ्रॉम एल्कोहल से, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट तो है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, ठीक, क्यों, देखो यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि बच्चों अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं, अगर एल्कोहल की रिएक्शन हम H2SO4 की प्रेजेंस में, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और टेम्परेचर 443 केल्विन पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये यहाँ पर क्या बनेगा, एथीन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ईथर बनना नहीं बनना, जबकि अगर हम 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं, एक्सेस ऑफ एल्कोहल, अगर हम इस एल्कोहल को 1 डिग्री या 2 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम H2SO4 की प्रेजेंस में टेम्परेचर अब कितना कर दें 413 केल्विन कर देते हैं, यानी यहाँ से टेम्परेचर कम हो गया, तो अगर हम 413 केल्विन टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डाई एथिल ईथर और H2O। बस टेम्परेचर का यहाँ पर खेल है कि अगर टेम्परेचर 443 है तो एथीन बनेगा, है ना, और यहाँ पर अगर टेम्परेचर हमने 413 टेम्परेचर को जैसे ही कम किया तो यहाँ पर डाई एथिल एल्कोहल बन गया है, एक्सेस ऑफ एल्कोहल है यहाँ पर। ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सेस ऑफ एल्कोहल अगर बात करते हैं और टेम्परेचर, और यहाँ पर जो जिसकी प्रेजेंस में कराएंगे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा वो Al2O3 और 520 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं या इसको हीट करते हैं तो भी यहाँ पर डाई एथिल ईथर और H2O बनेगा। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम को देखते हुए, है ना। आगे इसी का एल्कोहल का हम मैकेनिज्म देखेंगे बच्चों, मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाना है तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले CH3CH2 और इस ऑक्सीजन के ऊपर हमें यहाँ पर लोन पेयर दिखाए गए हैं, ये लोन पेयर और ये H पॉजिटिव है। ठीक, तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाने के लिए ये क्या करेंगे, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बच्चों। ठीक, तो जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, तो अब ये बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक, क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ये पहले थोड़ा कम एक्टिव था, अब ये एक्टिवेट हो गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। जैसे ही प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा अब क्या होगा, अटैक ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल ऑन सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक, अब यहाँ पर जो सेकेंडरी एल्कोहल होगा, अटैक ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, उस पर सेकेंडरी एल्कोहल पर ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल का अटैक होगा, रिएक्शन होगी,
तो देखो यहां पर क्या होगा कि यहां पर देखो यहां से क्या होगा, यहां पर ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल, तो ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहां पर इसको देगा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां से कुछ ना, सॉरी यहां से नहीं, ये इसको देगा यहां पर, यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो यहां पर क्या होगा कि यहां से H2O निकलेगा, ठीक है, H2O निकलेगा। तो देखो ये यहां पर एक एल्कोहल, जैसे यहां से एक एल्कोहल देगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, तो जब इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से ये एच हटेगा और यहां पर क्या बन जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन यहां पर जुड़ेगा और ये वाला बाहर होगा। तो यहां पर जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगा तो सीधा सा यहां पर क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन ये नीचे जुड़ेगा और यहां पर प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा, ठीक, या सीधा सा हम समझ लेंगे कि अटैक ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल ऑन सेकेंडरी एल्कोहल, जब प्रोटोनेटेड एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल पे अटैक करेगा तो हमें प्रोटोनेटेड ईथर मिलेगा, ठीक, और H2O यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, एलिमिनेटिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द प्रोटोनेटेड ईथर, अब इस प्रोटोनेटेड ईथर से हमें हाइड्रोजन आयन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है, एलिमिनेट टू प्रोड्यूस ईथर, ठीक। तो यहां से क्या होगा, जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन है, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन यहां से क्या होगा, एलिमिनेट होगा, तो जब ये एलिमिनेट होगा तो यहां पर ईथर बनेगा और ये एच पॉजिटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर इस बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती, इतना नोट कर लीजिए अभी तक। तो आगे बच्चों बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, अगर हैलोजन एसिड के साथ में ईथर की रिएक्शन कराएंगे, ठीक, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ईथर दिया गया और उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ और 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है, और एल्किल हैलाइड अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर डाई एथिल ईथर है हमारे पास और अगर हम डाई एथिल ईथर की रिएक्शन बच्चों किसके साथ कराते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और यहाँ पर टेम्परेचर होगा 373 केल्विन, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, एथिल एल्कोहल और यहाँ पर एथिल आयोडाइड, तो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा एल्कोहल बनेगा, यानी एथिल एल्कोहल। हीटिंग विद H2SO4, अगर हम ईथर को H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम मेथिल एथिल ईथर की बात करते हैं, CH3OC2H5 की बात करते हैं, इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक, H2SO4 की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, और कैसा, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनेगा मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर हम डाई एथिल ईथर को H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हम क्या करेंगे, अगर हीट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बनेगा क्या, एथेनॉल और यहाँ पर बनेगा C2H5OSO2OH, जिसे हम बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करते जाइएगा। बात करेंगे बच्चों रिडक्शन की, अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद PCl5, अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 की अगर PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो अगर ये PCl5 के साथ इसको हम हीट करेंगे तो मेथिल क्लोराइड बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा और POCl3 बनेगा। लेकिन अगर डाई एथिल ईथर की यहाँ पर बात करते हैं, अगर डाई एथिल ईथर PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल और POCl3 बनेगा, ठीक है। रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड,
अगर एसिटिल क्लोर, तो देखो डाई एथिल ईथर है और उसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। अगर डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये एथिल क्लोराइड बनेगा और एथिल एसीटेट यहाँ पर बन जाएगा, दिख रहा होगा। अच्छा, हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन ईथर में। ठीक, ईथर में एक तो डार्क रिएक्शन होती है और हैलोजिनेशन में एक लाइट रिएक्शन होगी। तो अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर अगर डाई एथिल ईथर की बात करें और डाई एथिल ईथर क्लोरीन के साथ में डार्क रिएक्शन होगी, अंधेरे में जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CHCl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHCl CH3, यानी अल्फा अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, वहीं पर अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें कि अगर डाई एथिल ईथर 10 क्लोरीन के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों C2Cl5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2Cl5, यानी पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनेगा और 10HCl ये अलग हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंसी देख लीजिएगा, अगर कहीं बैलेंसी आपको बैलेंसी में अगर दिक्कत लगे तो बैलेंसी आप कर लीजिएगा। इस रिएक्शन में हम देख लेते हैं 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, इधर 3, 1, 4, 2, 5, 5, 3, 8, यहाँ 2HCl होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो कि इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी बच्चों आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, लेक्चर को 2-3 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।